हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते 47 से। तो 47 ने दो सरप्राइज ड्रॉप्स करे। तो पहला गाना है किसका हुआ और दूसरा है POV फ्रीस्टाइल। तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके सुन सकते हो। तो अब बात कर लेते ब्रदावी के बारे में। तो ब्रदावी एक स्टोरी डालते अपने शूट की, मेंटल शूट। तो अब बात कर लेते सिलीना शर्मा के बारे में। तो सिलीना शर्मा एक स्टोरी डालती हैं और ये बताती है कि एमीवे और उनका ट्रैक जिसका नाम है झूठा, वो अमेजॉन म्यूजिक की टॉप 50 बेस्ट ऑफ 2020 के लिस्ट में ऐड हो चुका है। साथ ही वो अभी 28 मिलियन व्यूज भी क्रॉस करने वाला है काफी जल्द। तो अब बात कर लेते किड शॉट के बारे में। तो क्यूके और किड शॉट की एक पिक्चर देखने को मिली है। तो अब बात कर लेते इक्का के बारे में। तो वो सॉन्ग जो है वो अभी वायरल सॉन्ग्स ग्लोबल के लिस्ट में 11th नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। तो अब बात कर लेते पैराडॉक्स के बारे में। तो पैराडॉक्स को अभी ब्लू टिक मिल चुका है इंस्टाग्राम पे। तो अब बात कर लेते हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह के अभी दो और इंटरव्यूज देखने को मिले और उन दोनों ही इंटरव्यूज में वो जिक्र करते हैं एमीवे का। तो बात कर लेते रागा के बारे में। तो रागा का रैप का मौसम अभी 10 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है यूट्यूब पे और 4 मिलियन से ज्यादा उसके स्ट्रीम्स हो चुके हैं अभी स्पॉटिफाई पे। तो नेक्स्ट अपडेट रफ्तार की साइड से। तो रफ्तार का जो अभी NBD ट्रैक देखने को मिला है, उसके रिकॉर्डिंग सेशन का एक वीडियो बाहर आया है। ड्रामे घर वाले मेरे साथ नहीं, मुंह पे बोल बेटा तुझ में लड़ने वाली बात नहीं, कोई साथ नहीं या तुझ में असली आर्ट नहीं या तुझ में वो जज्बात नहीं या टेढ़ी तेरी खाट नहीं। तो नेक्स्ट अपडेट बेला की साइड से। तो बेला अभी MC स्टैन को भी फॉलो करने लगे इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा रैप डीमन का एक ट्रैक आउट हो चुका है जिसका नाम है नॉट कोला। तो अब बात कर लेते बादशाह के बारे में। तो बादशाह का जो मुंबई में शो हुआ था, तो शो के दौरान कुछ क्लिप्स चलाई गई थी जिसमें कुछ रैपर्स सेलिब्स और बादशाह की जो एक्स गर्लफ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस थे बादशाह के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कार पे पंप पे रैप करता हूँ तो मुझे रैप का मतलब ही नहीं पता था। तब मैंने जरूर कहा था यार, नहीं तो मैंने तो कुछ पल्ले पढ़ा नहीं, क्या कर रहे हैं। जैसे जिंदगी में आया है मेरे को एक चीज समझ में आई, वो पागल है। ये लड़की का पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। आई थिंक दिस वुड बी द ग्रैंडेस्ट ग्रैंडेस्ट। और मैं यही कहना चाहूंगा कि सपनों को पाना, अगर सपनों के लिए कड़ी मेहनत करना अगर पागलपन है तो एक लड़का पागल है, पागल है, पागल है। The only guy who sleeps less than me, works harder than me. बात कर लेते रस के बारे में। तो रस जो है वो अपनी एल्बम लेके आने वाले 2023 में। तो एक स्टोरी डाल के बताता है, वर्किंग ऑन द एल्बम कमिंग सून। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।